नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किससे संबंधित सीरीज चल रही है, उसी बहुत सारे में हम लोगों ने सामाजिक विचारकों के बारे में पढ़ लिया है और भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ लिया है, और उसी क्रम में हमारे जो हमारे नेक्स्ट विचारक हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इरावती कर्वे जी, आज उनके बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें ना करके कि हाँ बहुत पीछे हैं हम लोगों ने क्या किया है, आप अगर आपको और सारी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संबंधित जो भी वीडियो आपको अगर चाहिए होगा तो आप पीछे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे पड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ आपके कुछ और भी जो नए थिंकर्स हैं, मॉडर्न थिंकर्स हैं, उनके बारे में भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो प्लेलिस्ट में दिया गया है बना के, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, आज लास्ट बचा हुआ ये तो हम लोग देख लेते हैं इरावती कर्वे के अनुसार। तो इनकी पहले बायोग्राफी से हम शुरू करते हैं, जैसा कि बायोग्राफी से ही हम किसी विचारक के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो बायोग्राफी में पहले जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था भारत में। तो भारत में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में इनका हुआ था जन्म। ये जीएस घोरिये की शिष्या रह चुकी हैं, और जीएस घोरिये, जैसा कि आपको पता ही है कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है उन्हें। पहले पैट्रिक गिट्स हैं, बट उन्हें महान रूप में जाना जाता है, जीएस घोरिये को। इनकी शिष्या रह चुकी हैं इरावती कर्वे। इन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इनकी पदवी कुछ नामी थी, जिसे इन्हें मानवशास्त्री के नाम से जाना जाता है। क्यों मानवशास्त्री कहा गया है? जैसा कि आपको पता भी होगा कुछ लोगों को कि मानवशास्त्र यानी मानव समुदाय का अध्ययन करना ये होता है, जो मानव समुदाय का अध्ययन करता है मानवशास्त्री है। अब मानव समुदाय उनमें किन विधियों का प्रयोग करके प्रॉपरली, आपको ये भी पता होगा कि मानवशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन विधियों का प्रयोग करके, वो मुख्यतया क्षेत्र कार्य प्रणाली पर आधारित, क्षेत्र कार्य अध्ययन पर आधारित होता है, अवलोकन उसमें होता है, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। और इसके साथ इन्हें भारतविद भी कहा जाता है, भारतविद यानी आइडियोलॉजिस्ट। और भारतविद होने के नाते इन्होंने जो भी उपागम का प्रयोग किया वो भारत विद्याशास्त्री उपागम का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें भारतविद कहा जाता है। इस उपागम के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि ये भारतीय ग्रंथों के आधार पर, इसका आशय अगर आप समझ पूछा है कि भारत विद्याशास्त्र का आशय क्या है उपागम का, तो इसके अंतर्गत भारतीय ग्रंथों, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके आधार पर वर्तमान समाज को समझने का प्रयास किया जाता है इस प्रकार के शास्त्र के अंतर्गत, तो भारतविद कहे जाते हैं। उसके साथ साथ ये साहित्यकार भी थी, यानी साहित्य का भी जानकारी थी और रचनाएं भी कई की, तो इसीलिए इन्हें साहित्यकार भी कहा जाता है। इसके अलावा तो इन्होंने यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने और जोड़ दिया है कि इन्होंने भारत विद्याशास्त्र का प्रयोग, उपागम का प्रयोग किसके अंतर्गत, किसके संदर्भ में किया था, तो वो नातेदारी के अध्ययन के संदर्भ में प्रयोग किया था। इसके साथ साथ ये प्रथम अग्रणी महिलाओं में भी इनका नाम जोड़ा जाता है। देखिए, भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम अग्रणी महिलाओं में अगर पूछा जाता है आपको ऐसे क्वेश्चन, तो आप जरूर लगाइएगा इरावती कर्वे। इन्हें उग्रवादी महिलावादी भी कहा जाता है, रेडिकल फेमिनिस्ट। जैसा कि आपको मैं महिलावादी यानी महिलाओं का समूह से है इसका आशय। और वो देखिए, आपको उग्रवादी महिलावादी बताने के पहले मैं आपको एक और बता देना चाहूँगा कि उग्रवादी महिलावादी के साथ साथ एक उदारवादी भी महिलावादी होते हैं, वहाँ पे भी महिलाओं का ही समूह होता है। उदारवादी महिलाओं और उग्रवादी महिलावादियों में डिफरेंस ये है कि जो उदारवादी महिला होते हैं उनका जो क्या कहते हैं, उनका स्त्रियों की समस्याओं या उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उस सबसे सारी चीज़ों पर उनका फोकस जाता है, और वो मतलब कहते हैं कि उनका उस समय में क्रांतिकारी स्वरूप नहीं होता है, मतलब इसका जो विरोध का उनका स्वरूप होगा वो क्रांतिकारी स्वरूप नहीं होगा उदारवादी महिलावादियों में, और वे सुधार पर बल देंगे, किसी भी व्यवस्था के सुधार पर बल देते हैं। जैसे व्यवस्था है कि जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के सुधार पर बल देंगे कि इस पर सुधार किया जाए जिससे स्त्रियों की दशा सुधरे, मतलब उसमें सुधार हो स्त्रियों की दशा में।
जबकि वहीं पे अगर उग्रवादी महिलावादियों की बात की जाती है तो जो उग्रवादी महिलावादियों के जो समूह होता है महिलावादियों का, इनका स्वरूप जो होता है स्त्रियों की स्थितियों से दयनीय दशा की विरोध स्वरूप, वो क्रांतिकारी स्वरूप होता है विरोध करने का। ये सुधार पर नहीं बल देते हैं बल्कि पूरी व्यवस्था को समाप्त करने पर बल देते हैं। आई होप आपको उग्रवादी महिलावादियों के संबंध में और उदारवादी महिलावादियों के संबंध में दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो ये तो इरावती कर्वे जी उग्रवादी महिलावादियों में आते हैं। अब आपको यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्त्री शिक्षा और अन्य समस्याओं समस्याओं मीन्स ब्याह विवाह किया जिसे छोटी आयु में विवाह कर देना, बाल विवाह, ये सब सारी चीज़ों इसके समाधान करने और इसका कारण पुरुषों को मानना। क्यों? क्योंकि पुरुषों द्वारा स्त्री पर प्रभुत्व शोषण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इन्होंने वो अध्ययन किया और इस सबसे सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाने का काम करता है उग्रवादी महिलावादियों का समूह, और इसमें से इन नाम इरावती कर्वे का आता है जैसा कि इनको कहा भी जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये आमूल चूल परिवर्तन पर बल देते हैं, मतलब सुधार पर बल नहीं देते कि सुधार किया जाए व्यवस्था में, बल्कि आमूल चूल परिवर्तन पर बल दिया जाए। और इसके लिए मुख्य जिम्मेदार किसे मानते हैं? पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ये पुरुषों की व्यवस्था को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मुख्य जिम्मेदारी मानते हैं। ये जो इरावती कर्वे जी हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र अनुभाग के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ओके, मानव शास्त्र अनुभाग के अध्यक्ष रह चुकी हैं ये। इसके साथ साथ ये इनकी बायोग्राफी थी। अब इनके इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इनकी दो ही मुख्य बुकें ही हैं, तो किनशिप और पहली है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और दूसरी है हिंदू सोसाइटी। तो किनशिप नातेदारी संगठन, भारत में नातेदारी संगठन और हिंदू समाज, ये दो प्रकार की बुकें हैं। अब चलिए हम बुक पढ़ते हैं और बुक में इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शंस दिया है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत में नातेदारी संगठन, ये इनकी बुक थी। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या समझाया कि भारत में जो नातेदारी के समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई, यानी भारत में नातेदारी के समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी बात इन्होंने इस बुक के अंतर्गत किया है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय अध्ययन का मतलब, इसका क्या मतलब है। तो यानी नाते इन्होंने इस अध्ययन के आधार पर नातेदारी को मानव समाज से संबंधित करके इसका विश्लेषण किया, नातेदारी का अध्ययन विश्लेषण किया। आगे चलते हैं, नाते फिर इन्होंने जो इरावती कर्वे जी थे इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को समझाने के लिए विश्लेषण किया, तो लेकिन विश्लेषण करने के लिए इसका तुलनात्मक अध्ययन किया और तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने भारत को चार प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया, प्रमुख चार प्रकार के क्षेत्रों में। यानी तुलनात्मक अध्ययन मीन्स ये नातेदारी व्यवस्था चार प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया, चार क्षेत्रों में नातेदारी का स्वरूप कैसा कैसा है, मतलब कि उत्तर भारत में है तो किस प्रकार का स्वरूप है, दक्षिण भारत में है तो किस प्रकार का स्वरूप, पूर्व में या केंद्रीय भारत में है तो किस प्रकार का स्वरूप। तो चाहिए पहले हम नाम जान लेते हैं, नाम जानने से पहले हम नातेदारी समझ लेते हैं, नातेदारी का मतलब क्या होता है। नातेदारी देखिए जो समाज द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो संबंध होते हैं, यानी वे संबंध जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है वो होती है नातेदारी। नातेदारी का तात्पर्य यही है, अभिप्राय यही है, अर्थ अगर आप कहोगे। और ये नातेदारी दो प्रकार की मुख्यता होती है, रक्त संबंधी और विवाह, विवाह के द्वारा जो नातेदारी संबंधों का निर्माण होता है और रक्त के द्वारा जो संबंधों का निर्माण होता है। तो चलिए चार प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट है उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, सेकंड है केंद्रीय भारत, उत्तर दक्षिण, ऐसे याद करिए उत्तर दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था और पूर्वी भारत और केंद्रीय भारत, बस आप ध्यान रखिए पश्चिमी भारत यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस चार क्षेत्र चार छोर होते हैं किसी भी डायरेक्शन के, भारत में डायरेक्शन का चार छोर है, कहीं पर भी डायरेक्शन का चार ही होता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, लेकिन पश्चिम यहाँ पे नहीं, पश्चिम की जगह पे केंद्रीय याद बोल दिया गया, बस इतना याद करने का यही तरीका। उत्तर भारत में कैसा स्वरूप था, जैसा कि पहले क्षेत्र देख लेते हैं किस क्षेत्रों में स्वरूप है नातेदारी व्यवस्था का। तो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो क्षेत्र होगा वो उत्तर भारतीय क्षेत्र में नातेदारी का अध्ययन इन्होंने किया। देखिए यहाँ पे अगर आपको समझने से पहले उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था ये जानने के इससे पहले
पढ़ने से पहले आप खुद रियलाइज़ करिए, आप उत्तर भारत में खुद मैक्सिमम रहते हो, तो आप उत्तर भारत में अगर कोई आदमी रहता है तो वो अपने खुद ऑब्जर्वेशन कर सकता है कि हमारे यहाँ नातेदारी संबंधी किस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस प्रकार की स्वतंत्रता है, सारी चीज़ें आप पहलुओं पर अपने आप से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम जानेंगे कि नियमों संबंधी पालन किन किन संबंधी पालन किया जाता है। तो जाति संबंधी विवाह संबंधी नियमों का पालन किया जाता है। देखिए, अगर आप नियमों जाति संबंधी अगर नियमों के अगर पालन पे जाओगे तो आपने देखा होगा कि परंपरागत समाज में जो व्यवस्था थी जाति और विवाह की, आज भी वही व्यवस्था विद्यमान है। भले ही उसमें आधुनिक समय में कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे, लेकिन अगर आप संरचना बेसिस पे अगर आप जाओगे तो संरचनात्मक चेंजेस नहीं होता है, बल्कि बाह्य रूप में चेंज किसी भी व्यवस्था का हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जाति संबंधी देखोगे तो आपको देखा होगा कि अंतर विवाह, आज भी एक ही जाति का एक ही जाति में विवाह होता है, किसी अन्य जातियों में विवाह का संभव होना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज़ देख रहे होंगे, और विवाह का भी यही चीज़ है और जाति में भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो नियमों का पालन यहाँ पे कड़ाई से की जाती है। इसके साथ साथ अब बात आती है सेकंड, केंद्रीय भारत में। तो केंद्रीय भारत में पहले रीजन जान लेते हैं। रीजन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था सोशियोलॉजी में, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया। तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि। ये सब फैक्ट है, थोड़ा याद कर लीजिए, ज़रूरी है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था, इनके क्षेत्र पहले जान लेते हैं दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था के। जैसे कर्नाटक हो गए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप, ये दक्षिण भारतीय क्षेत्र हैं नातेदारी के। इसमें नातेदारी की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे जनरली अगर आप उत्तर भारत में जाओगे तो उत्तर भारत में जो मूलतः प्रमुख रूप से अगर बोला जाएगा तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। मातृसत्तात्मक आपको रेयरली देखने को मिलेगा, जबकि वहीं दक्षिण भारत में पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक व्यवस्था दोनों पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों पाई जाती है। और वहाँ पर एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था थारवाड़ करके है, जिसका मेंशन मैंने यहाँ पे किया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसका, तो आपको यहाँ ध्यान ले रखना है। थारवाड़ एक थारवाड़ समुदाय है, जहाँ पर पितृ मातृवंशीय समुदाय है, जिसमें कोई भी वैवाहिक संबंधी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि कोई भी इसमें वैवाहिक संबंधी नहीं है। ये दक्षिण भारतीय समुदाय था, मातृवंशीय समुदाय। इसके अलावा पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था, तो पूर्वी भारत में इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत है? पूर्वी भारत एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र क्या है, पूर्वी भारत में आता है। इसमें कनिष्ठाधिकार का नियम का प्रचलन है। कनिष्ठाधिकार का जो नियम है, ये एक प्रकार का उत्तराधिकार का नियम है। उत्तराधिकार समझते हैं आपको, देखिए अगर आप वहाँ जाओगे फैमिली मैरिज वाले में जाओगे तो वहाँ पर आपको पढ़ना भी पड़ेगा उत्तराधिकार भी, वहाँ पर इनहेरिटेंस होता है इसका इंग्लिश, तो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस यानी कनिष्ठाधिकार का मतलब है कि कनिष्ठ में होता है सबसे छोटा। तो पहले हम उत्तराधिकार जान लेते हैं, फिर कनिष्ठाधिकार, क्योंकि कनिष्ठाधिकार इसी में नियम है। कनिष्ठाधिकार और ज्येष्ठाधिकार दो प्रकार का नियम होता है। तो उत्तराधिकार पहले जानते हैं। उत्तरा मतलब होता है जो पूर्वजों द्वारा जो सत्ता या संपत्ति जो अपने संतानों को प्रोवाइड की जाती, प्रदान की जाती है, वो होती है उत्तराधिकार, राइट? और ये अधिकार प्रदान नहीं की जाती है प्रदान, बल्कि ये प्राप्त होती है व्यक्ति को। ठीक है, ये जन्मता प्राप्त होती है। जन्मता मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो कि जन्मता जन्म से ही निर्धारण रहता है कि उसके पुत्र उसके पिता के देहांत के बाद मतलब ना रहने पर उसकी सत्ता उसको संतान को सौंप दी जाएगी, ये जन्मता है। ठीक है, तो उत्तराधिकार में ये है, उत्तराधिकार यानी उत्तर अधिकार यानी आगे की जो पीढ़ी आएगी उसको अधिकार मिलेगा, ये चीज़ है। अब चलिए आज जान लेते हैं कनिष्ठाधिकार नियम। तो कनिष्ठाधिकार का नियम प्रचलन था पूर्वी भारत में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो कनिष्ठाधिकार में ये होता है कि जो सबसे छोटा पुत्र होता है, संतानों में जो सबसे छोटा पुत्र है, उसे अधिकार दी जाती है, सत्ता संबंधी अधिकार, राइट? और आपको ज्येष्ठाधिकार भी ही लगे हाथ बता देता हूँ। ज्येष्ठाधिकार में सबसे बड़े पुत्र को सत्ता का जो अधिकार मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी भारत में ज्येष्ठाधिकार नहीं बल्कि कनिष्ठाधिकार का नियम का प्रचलन है। और इसकी एक मुख्य उदाहरण खासी जनजाति है, जिसमें मुख्यतः कनिष्ठाधिकार का नियम पाया जाता है। यहाँ पढ़ लेते हैं,
पूर्वजों की जो सत्ता है वो अधिकार सबसे छोटी संतान को प्राप्त होता है इसके अंतर्गत। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्था। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दो दो लाइन तीन तीन लाइन ही लिख रहा हूँ। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो ये क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में बेकार की बातें हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन बेसिस से और सारे जो पॉइंट्स हैं। इसीलिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में आप रियलाइज़ नहीं कर सकते हो, आपको याद करना ज़रूरी है, वही पॉइंट मैंने इसके अंतर्गत दिया है। अदरवाइज़ जो सेंटेंस है भी वहाँ पे मेंशन है वो सब सारी चीज़ें कॉमन बातें हैं, आप ऐसे भी आप थिंक उसके बारे में कर सकोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़। तो मैं इसीलिए दो दो लाइन तीन तीन लाइन सबके बारे में जो भी था वो मैंने रख दिया। तो चलिए आइए चलते हैं पढ़ते हैं आगे क्या है। इन्होंने इसी बुक के, अब ये तो क्षेत्र का विभाजन था, अब इन्होंने तीन भाषाई क्षेत्रों का भी क्या किया है, विभाजन किया है, ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो तीन भाषाई क्षेत्र कौन से, पहला तो है भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली, इसमें 11 भाषाएं थीं। दूसरा है द्रविण परिवार, 7 भाषाएं, और तीसरा है आग्नेय एशियाटिक परिवार। देखिए आपको ये तीनों याद कर लेना है, कुछ इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आप बस नाम ध्यान रखिए कि कितने भाषाई क्षेत्रों का नाम। तो तीन है भारोपीय परिवार, और दूसरा है द्रविड़ परिवार, और तीसरा है आग्नेय एशियाटिक परिवार। देखिए आग्नेय एशियाटिक के परिवार में एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। इसमें इसी के अंतर्गत ही अधिकांश जनजातियाँ इसी समूह से आती हैं। ये जो समूह है भाषाई समूह, इसी समूह से ही ज़्यादा जो जनजातियाँ हैं, अधिकतर जो जनजातियाँ हैं वो इसी समूह से आती हैं, आग्नेय एशियाटिक परिवार। जो आपसे अगर पूछा जाए कि मुख्य अधिकांशतया जनजातियों का कौन से भाषाई क्षेत्र से ज़्यादा समूह संबंध है, तो आग्नेय एशियाटिक परिवार से ज़्यादा संबंध है। इसी पुस्तक में इन्होंने ज्वाइंट फैमिली का भी विश्लेषण किया। जैसा कि आपको पता है ज्वाइंट फैमिली के संबंध में सबसे गहन और सबसे विस्तृत विश्लेषण और परिभाषा दिया है तो किसने दिया है, इरावती कर्वे ने। तो क्या बताया है, संयुक्त परिवार यानी एक मिला जुला परिवार, ऐसे आप अशाब्दिक अर्थ पर ले सकते हो। अब इन्होंने क्या कहा है कि यह व्यक्तियों का एक समूह है, लाइन से ही पढ़ लेते हैं आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल ही नहीं है। व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, ये सब टर्म इन्होंने यूज़ किया है, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं, सामान्य पूजा में क्या करते हैं भागीदारी लेते हैं, और विशिष्ट और एक दूसरे से परस्पर विशिष्ट नातेदारी से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ऐसा समूह क्या होता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है इरावती कर्वे के अनुसार। इन्होंने इसी परिभाषा के आधार पर परिवार की विशेषताएँ कुछ दी हैं, विशेषताएँ जैसे सहनिवास, साथ साथ रहना, सहभोज, साथ साथ खान पान, सह उपासना, पूजा पाठ साथ में ही, साझा संपत्ति, जो संपत्ति था वो सारे में इक्वल डिवाइड मतलब नहीं, सबका समान अधिकार था संपत्ति पर, ये चीज़ें जैसे सबका समान रूप में अधिकार था। संबंधों की आबद्धता, जो संबंध थे लोगों के एक दूसरे के बीच में काफ़ी घनिष्ठ था, ये सब सारी विशेषताएँ हैं संयुक्त परिवार के इरावती कर्वे के अनुसार। अब नेक्स्ट आइए जानते हैं, नेक्स्ट इनकी बुक आती है हिंदू सोसाइटी। पहली तो हम लोग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये पहली बुक थी, हम लोगों ने इसके बारे में डीप पढ़ा। अब नेक्स्ट इनकी बुक है हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शंस दिया है, पहली बात तो इन्होंने इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था का क्या किया है विश्लेषण। आपसे पूछा सकता है इरावती कर्वे जी ने जाति व्यवस्था का विश्लेषण किस बुक के अंतर्गत किया, तो वो बुक कौन सी थी, हिंदू सोसाइटी। जाति व्यवस्था को हम समझ लेते हैं, जाति व्यवस्था जातियों की व्यवस्था, जातियों पर आधारित विभिन्न जातियों का व्यवस्था, विभिन्न जातियों का ऊंच नीच के आधार पर बनी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो जाति को केंद्रबिंदु मानकर ऊंच, जो जाति पर आधारित ऊंच नीच के आधार पर क्या कहते हैं व्यवस्था बनी होती है, ऐसी व्यवस्था क्या कहती है, जाति व्यवस्था। इन्होंने इसके अध्ययन हेतु विभिन्न अध्ययन सामग्रियों का प्रयोग किया, जैसे संस्कृत साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय अनुभव, यानी इन्होंने तर्क का भी प्रयोग किया, और संस्कृत साहित्य अगर आप बोलोगे तो भारत विद्या, देख लीजिए इन्होंने संस्कृत साहित्य और इतिहास का प्रयोग किया, तो भारत विद्या शास्त्रीय उपाग ये सामग्री है,
और ये आपका तर्क वैज्ञानिक जो मानवशास्त्रीय है, तर्क ये मानवशास्त्रीय सामग्री है, तर्कशास्त्रीय मानवशास्त्रीय वो है सामग्री, इसके आधार पर इन्होंने जाति व्यवस्था का संपूर्ण विश्लेषण किया है। कर्वे जी ने इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद इसका एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है, एनटीए के एग्ज़ाम में और अदर पीजीटी या जैसे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में भी पूछा गया है इसका, तो ध्यान रखिएगा इनकी। देखिए तो इन्होंने क्या बताया है परिभाषा, इन्होंने कहा है कि जाति एक विस्तारित क्या है, नातेदारी समूह है। इन्होंने कहा कि एक एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव किनशिप ग्रुप है या किनशिप फैमिली, इस प्रकार इन्होंने समझाया जाति को। प्रमुख विशेषता इन्होंने बताई जाति की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार की विशेषता, एक तो अंतर विवाहित समूह और दूसरा पारंपरिक व्यवसाय। यानी इन्होंने बताया कि जो व्यवस्था है वो मूलतः अंतर विवाहित समूह पर आधारित है, यानी जो विवाह का इंडोगैमस, जो विवाह का स्वरूप है वो एक जाति की किसी अदर जाति में ना होकर उसी जाति के अंतर्गत विवाह होता है, इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था पर आधारित है जाति। दूसरा इन्होंने बताया कि इसमें जो लोगों का जो व्यवसाय होता है वो जन्मतः निर्धारित होता है व्यवसाय, और वो पारंपरिक रूप में हमेशा वही रहता है, उस व्यवसाय को वो छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, ये चीज़ें वो निर्धारित है ये चीज़ें। नेक्स्ट है अब वो उच्च नीच के आधार पर, ये चीज़ें इन्होंने इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन किया, हिंदू सोसाइटी के अंतर्गत इन्होंने सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया, कैसी किस प्रकार की समाज आधारित समस्या, जैसे भाषा संबंधी समस्या, भाषा को लेकर लैंग्वेज भाषावाद आप बोल सकते हो, सांप्रदायिकता, धर्मवाद, ठीक है, आदि ये समस्याएं, और उसके साथ जातिवाद, आरक्षण व्यवस्था संबंधी जो समस्या उत्पन्न हुई विभिन्न जातियों में, अस्पृश्यता विभिन्न जातियों में, जो दलित समाज जो दबे कुचले जो लोग हैं, नीचे जो निम्न वर्ग है, उससे संबंधित भेदभाव, छुआछूत संबंधी समस्याओं पर भी इन्होंने विचार किया। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से स्त्रियों के उत्थान पर, इसीलिए इन्हें उग्रवादी महिलावादी भी कहा जाता है, स्त्रियों के उत्थान पर क्या किया इन्होंने बल दिया, नगरीकरण पर भी बल दिया, उसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था पर भी इन्होंने क्या किया, अध्ययन और विश्लेषण किया है। तो इस पर बहुत सारी समस्याओं पर भी इन्होंने विचार किया अपनी बुक के इस के अंतर्गत। इसके साथ साथ इनके बारे में देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन्होंने जाति व्यवस्था को बताया कि संयुक्त परिवार एवं ग्रामीण समुदाय को सामाजिक संरचना के 3 स्तंभ मानते हैं। इन्होंने 3 व्यवस्था बताई सामाजिक संरचना के, वो है जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। देखिए कि आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि सामाजिक संरचना के 3 स्तंभ किसे माना जाता था इरावती कर्वे के अनुसार, तो ये एनटीए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डीप थोड़ा बनाने की कोशिश करेगा ना तो आपसे ज़रूर पूछ लेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय, इसे ये तीन प्रकार के, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये 3 प्रकार के स्तंभ हैं सामाजिक संरचना, यानी समाज को बनाए रखने का काम करते हैं ये तीन व्यवस्थाएं, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जैसा कि आपको पता है कि हमने अब जो इम्पोर्टेंट हमारी जो एग्ज़ामिनेशन के हैं कुछ टॉपिक्स, उसके बारे में हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, और आपको ये आपको बता देना चाहूँगा, नेक्स्ट आपको कल अदर वीडियो मिलेगा, और वो नया वीडियो मिलेगा जो आपको कहीं से जल्दी से आपको मिलता नहीं है, सिलेबस आप बुकों में नहीं मिलेगा, आपको सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी इस यूट्यूब चैनल से। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, ढेर सारे लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए खुद, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और रेगुलर आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।